तो इस वीडियो में जो हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रिगर का कॉन्सेप्ट। ट्रिगर का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू रूम के लिए, साथ ही में अगर आपसे क्वेश्चन से आप अगर एसक्यूएल पे काम करने वाले हैं तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है ट्रिगर का कॉन्सेप्ट। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस करिए, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, वो चाहे एसक्यूएल से हो, चाहे आपको एसक्यूएल के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, आपको एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन हो, डीबीएमएस के बेसिक कॉन्सेप्ट हो, डीबीएमएस के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हो, हैकर रैंक प्लेटफॉर्म की कोडिंग हो, आपको प्रोग्रामिंग में सीक्वल हो। तो अपकमिंग वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और देखेंगे हम लोग कैसे अपने बैक एंड के डेटा को फ्रंट एंड के यूजिंग फ्रंट एंड फैच कर सकते हैं। तो ये सब सारी बातें अपकमिंग वीडियोस में, बट अभी हम लोग देखते हैं ट्रिगर का कॉन्सेप्ट। तो चलिए समझते हैं ये ट्रिगर क्या होता है। तो ट्रिगर इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर इन डेटाबेस। अब स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है तो उसको मैंने अपने पिछले या प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो ये रहा फंक्शन के पहले ही मैंने कवर किया था आई थिंक फंक्शन, हाँ ये रहा स्टोर्ड प्रोसीजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि स्टोर्ड प्रोसीजर मतलब कि अगर आपको कुछ एसक्यूएल क्वेरी को बार बार यूज करना है तो आप उसका एक प्रोसीजर बना के उसको इजीली कॉल करके उसका यूज कर सकते हैं। अ ट्रिगर इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर इन डेटाबेस व्हिच ऑटोमेटिकली इनवोक व्हेनेवर अ स्पेशल इवेंट इन द डेटाबेस ऑकर। मतलब ट्रिगर जो होता है वो एक स्टोर्ड प्रोसीजर होता है और वो ऑटोमेटिकली इनवोक होता है जब कोई स्पेशल इवेंट ऑकर होता है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग ट्रिगर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते हैं, ट्रिगर अपने आप कॉल होता है। कब होता है? जबकि कोई स्पेशल इवेंट ऑकर होता है डेटाबेस में। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि वो स्पेशल इवेंट हम लोग रियल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं कि वो स्पेशल इवेंट क्या होगा। तो एक एग्जांपल से पहले मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पे तीन स्टेप होंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे, एक होगा इवेंट, एक होगा कंडीशन और तीसरा होगा एक्शन। तो लेट्स सी, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बैंक या एटीएम में जाना है और वहां से 2000 रुपए विड्रॉ करके लाना है। तो आप एटीएम में गए, आपने अपना कार्ड लगाया और आपने जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दी। तो यहां तक के जो सारे स्टेप्स हुए वो हुए इवेंट्स। उसके बाद आपके पास दो कंडीशंस होंगी, या तो आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा या तो नहीं होगा। तो अगर यस होगा तो आपका ट्रिगर चलेगा, और नो अगर आपकी जो कंडीशन है वो नो हो गई तो ट्रिगर नहीं चलेगा। तो लेट्स से जब आपकी कंडीशन यस हुई तो आपने ऐसा कोड लिखा है कि यूजर के पास एक मैसेज जाए, जिस मैसेज में ये लिखा हो कि आपका अकाउंट नंबर ये है, इस बैंक में है, आपके पास इतना रुपया था और आपने इसमें से इतने रुपए निकाल दिए और इतना आपके पास बचा है। तो एक बेसिक मैसेज था। ये मैसेज कब जाएगा यूजर के पास? जब कि उसके पास जो कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, या तो जब उसके पास पैसे निकल जाएंगे। अगर वही ये कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये मैसेज नहीं जाएगा। तो आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही होगी कि हम लोग ट्रिगर का यूज कहाँ करते हैं या ट्रिगर हमें कहाँ लिखना चाहिए। अब देखते हैं कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है ट्रिगर का। तो ट्रिगर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट ट्रिगर कमांड से। इसमें बिफोर और आफ्टर क्या हुआ? बिफोर मतलब क्या कि ट्रिगर चलने से पहले कुछ हो जाए और ट्रिगर चलने के बाद ये हो जाए, तो उसको कंडीशन को भी आप टारगेट कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट को भी टारगेट कर सकते हैं, और फिर वो ऑन टेबल नेम फॉर ईच रो एंड द ट्रिगर बॉडी। तो ये बेसिक सिंटैक्स होता है ट्रिगर का। तो आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिगर का समझ में आया होगा, आपको थ्योरी बेसिकली समझ में आई होगी कि हम लोग ट्रिगर क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, ये सब बेसिक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे ऐसा ही वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और अभी कुछ दिनों बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए प्लेलिस्ट को जो कि होगा फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ वेब डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग HTML CSS से स्टार्ट करेंगे। आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास कोई भी मैसेज है तो आप मेरे को डायरेक्ट DM करिए या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।